Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 45. Subject English, class 10th. और ये वर्कशीट आपको करनी है स्टूडेंट 16 दिसंबर 2021 को. और आज की वर्कशीट में हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट की पोएम जो एमेंडा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, जैसे कि पोएम का टाइटल ही क्या है, एमेंडा. इस पोएम में एमेंडा एक लड़की होती है 5 ईयर्स की, और उसकी मदर जो है, आपको भी आपकी मदर या पेरेंट्स, फादर या बड़े अंकल या ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये आपको रोकते टोकते होंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. जैसे आप कभी मान लो झुक कर बैठ गए तो बड़े कहते हैं कि झुक कर नहीं बैठना है, कोई गेस्ट आ गया तो इनको विश करो, पानी लाओ, ऐसा जो है बार बार जो है रोकना टोकना लगा ही रहता है बड़ों का छोटों को. तो उस बच्चे के मन में क्या फीलिंग आती है जब उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करना है. तो बच्चे की फीलिंग भी इस पोएम में दिखाई गई है पैरेंथेसिस के थ्रू. तो इस एमेंडा पोएम में यही है कि बच्चे कितना टीज होते हैं जब उनके बड़े उनको पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और बच्चा क्या सोचता है उस समय, उसकी फीलिंग भी पैरेंथेसिस में दिखाई गई है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम एमेंडा. रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये पोएम दे रखी है, उसको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, वो हमें पढ़ना है, फिर हमें आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के. तो आइए स्टार्ट करते हैं. डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा. एमेंडा की मदर कहती है, एमेंडा नेल्स को मत काटो. जब आप मुंह में कई बार बाइट करते हैं अननोइंगली भी, तो आपके बड़े कहते हैं कि नेल्स को मत काटो. डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा. एमेंडा कंधे झुकाकर मत बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. झुक कर मत बैठो, सीधे बैठो एमेंडा. अपनी स्ट्रेट रखो बैकबोन को एमेंडा. तो अब उस बच्चे के मन में क्या आता है जब उसकी मदर ये पॉइंट आउट करती है उसके बिहेवियर के बारे में, उसको स्कोल्ड करती है, तो बच्चे क्या सोचती है. देयर इज ए लैंग्वेज एमआरसी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली मी. वो क्या कहती है अपने आप को, कहती है कि काश मैं एक मरमेड बन जाऊँ, एक जलपरी बन जाऊँ. कहाँ की जलपरी, एक लंबे ग्रीन कलर के सागर की, जहाँ पर सिर्फ अकेली रहने वाली कौन हो, सिर्फ एमेंडा हो, वो जलपरी हो. ड्रिफ्टिंग ब्लीसफुली, वो पानी के बहाव के साथ शांति से बह जाए. मतलब बच्चा चाहता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ ना रहे जो उसे स्कोल्ड करते हैं, वो अकेली रहे. फिर आगे देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा. फिर उसकी मदर कहती, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया एमेंडा. डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा. एमेंडा क्या तुमने अपने रूम की सफाई कर ली, चीज़ों को तरतीब से लगा दिया. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा. एमेंडा मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज साफ कर लो. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा जब इस पूरी पोएम को आप पढ़ेंगे. आपको ये पूरी पोएम पढ़नी है स्टूडेंट टेक्स्ट बुक से, फर्स्ट फ्लाइट से. अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हु इज़ द पोइट टॉकिंग अबाउट. पोइट इसमें किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, एमेंडा से कर रहा है. द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट एमेंडा. एक लड़की के बारे में बता रहा है पोइट. सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन स्टैंजा 1 and 3 ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. अब ये देखिए 1 और 3 स्टैंजा कौन कौन से, ये देखिए 1 और 3 हमारे ये स्टैंजा है. ये देखिए 1 और 3, तो इसमें कौन, कोई बड़ा, उसकी एमेंडा की मदर जो है वो स्पीकर है. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एमेंडाज मदर इज द स्पीकर इन स्टैंजा 1 and 3 ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हुज थॉट आर एक्सप्रेस इन स्टैंजा 2. स्टैंजा 2 में किसकी एक्सप्रेस की गई है थॉट, एमेंडा की, बच्चे की. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2 स्टैंजा, जो दूसरे स्टैंजा से कैसे अलग है. एमेंडाज थॉट आर एक्सप्रेस इन स्टैंजा 2. एमेंडा की थॉट दिखाई गई है ना स्टैंजा 2 में. हियर सी यर्न्स फॉर फ्रीडम. वो क्या, वो आज़ादी चाहती है. और ये दोनों स्टैंजा से कैसे डिफरेंट है, और 2 स्टैंजा में किसको दिखाया गया है, मदर की फीलिंग को दिखाया गया है. और इसके अंदर किसकी फीलिंग को दिखाया गया है, एमेंडाज थॉट्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंजा 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई डज एमेंडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी ए मरमेड. एमेंडा जलपरी क्यों बनना चाहती है, मरमेड क्यों बनना चाहती है, क्यों बनना चाहती है, ताकि वो विशाल समुंदर में अकेली रहे, कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो. तो देखिए इसका आंसर, एमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी ए मरमेड सो दैट सी मे ड्रिफ्ट इन द साइलेंट सी एंड एंजॉय द लोनलीनेस एंड पीस देयर.
ताकि वो इस शांत समुंदर में अकेली रहे, पानी के बहाव में बह जाए, शांति से रहे, कोई उसे रोकने टोकने पॉइंट आउट करने वाला ना रहे। सी यर्न्स फॉर फ्रीडम। वो क्या चाहती है? फ्रीडम चाहती है, आज़ादी चाहती है। आज़ादी तो सबको अच्छी लगती है। पिंजरा तो सोने का पिंजरा भी जो है सबको क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारा 5 क्वेश्चन। डू यू हैव सिमिलर थॉट समटाइम? क्या आपको भी ऐसे विचार आते हैं जैसे अमेंडा के आ रहे थे विचार कि मैं अकेली समुंदर में चली जाऊँ, मरमेड बन जाऊँ? क्या आपके दिमाग में भी ऐसे विचार आते हैं क्या? शेयर सम आइडियाज दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू आर सिटिंग अलोन। अपने आइडियाज शेयर करें, जब आप अकेले बैठे हो तो आप क्या सोचते हो? यस, आई हैव सिमिलर थॉट समटाइम्स। हाँ, मुझे भी कभी कभी आते हैं ऐसे थॉट, क्योंकि जब कोई बार बार किसी को नैगिंग करेगा, पॉइंट आउट करेगा, तो उसके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं। व्हेन वी आर स्कोल्डेड कॉन्स्टेंटली वी टू समटाइम्स हैव दीज टाइप ऑफ थॉट। जब हमें बार बार स्कोल्ड किया जाता है तो हमारे दिमाग में भी ऐसे थॉट्स आते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। और ज़्यादा उसके लिए आपको, ज़्यादा नॉलेज के लिए आपको पूरी पोएम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़नी है, फर्स्ट फ्लाइट से। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।